अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन टिक्का बोटी। तो हमारे पास ये गोल गोल बोटियां हैं, किसी भी शेप की ले लें। गोश्त को हमने धो लिया है। ये हमारे पास दो अदद नेमन है, हमने कट लगा के बीच निकाली, इसका रस डालेंगे। ये 2 से 3 चम्मच हमारे पास दही के हैं। और यहाँ पर हम शान वालों का टिक्का मसाला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम दही डालेंगे। अब हम ये टिक्का मसाला 2 चम्मच ऐड करेंगे। हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमारी जो बोटी है उस पर अच्छे से लग जाए। 1/2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, खुशक धनिया 1/2 चम्मच ये डालें, लेमन रस डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हमने स्पेस सिरका यूज़ किया है ताकि हमारी बोटी है जो जल्दी से पक जाए। 1 चम्मच हमने हॉट सॉस डाला है इसमें। इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच, मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। मटन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था, 2 घंटे हो गए हैं। अब ओपन करते हैं इसे। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, इसका फ्रेश फ्रेश टेस्ट आएगा। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमने मिक्स करनी है पुदीने और ऑयल को। ये सीवर्स हैं मेरे पास, बोटियों को इसमें हम डाल देंगे। सीवर्स में हमने इस तरह अपनी बोटी को डाल ली है। अब फ्राई करते हैं इनको। यहाँ मैंने एक सॉस पैन लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया और ऑयल डाल लिया मैंने थोड़ा सा, ऐसे 4 से 5 चम्मच। गर्म हो गया, इसमें हम अपनी टिक्का बोटी सेट कर देते हैं। हाँ जी, हमने टिक्का बोटी को सेट कर लिया है सॉस पैन में, और जो हमारे पास मसाला बाकी था वो भी हमने ऊपर इनके लगा दिया। बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, वरना हमारी जल जाएंगी बोटियाँ और कच्ची भी रह जाएंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे, 3 से 4 मिनट के बाद हम इन्हें देखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड हमने चेंज कर दी है। हमने कोयला लिया है पॉल में, और ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो टेस्ट है कोयला जैसा आए, जैसे हमें कोयले पे ही बनाए टिक्का बोटी। 2 मिनट के लिए हम इस तरह कवर करके इसको पकाएंगे, फिर ओपन करेंगे। टिक्का बोटी हमारी रेडी होगी। हमारी जो टिक्का बोटी है वो रेडी है। सादी दही के साथ या रायता वगैरह के साथ आप ले सकते हैं इसे। बहुत मज़ेदार रेडी हुई है। अल्लाह हाफिज़।